हाय गाइस, वेलकम टू एडी ब्रदर्स चैनल। मैं हूं अरुण दास। तो आज लाया हूं एक नया डिश। कल है बकरी ईद, तो सोचा था आज मेरे भाई आया है, सब लोग आए, तो आज कुछ एक खुशी का दिन भी है मेरे लिए। तो चलो देखते हैं क्या है आज डिश। आज का डिश है लेमन पेपर चिकन। ये डिश एक स्नैक्स की तरह, एक डिश की तरह, एक लंच डिनर सब में जाता है। बहुत सुंदर डिश है। अब जिसके साथ खाना जाए तो सब में जाता है ये डिश। यह लेमन पेपर चिकन थोड़ा तीखा रहेगा, तो स्पाइसी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा खाने में। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना फूड का सब लिंक दिया हूँ, जाके चेक कीजिए, वहाँ पे जाके उसको देखिए, चेक कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यार आप लोग नहीं करे कौन करेगा, तो जल्दी जल्दी से जाके लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और मैं लेता हूँ, मतलब देखता हूँ कैसे बनता है लेमन पेपर चिकन। चलिए, तो ये हमने लिया है 800 चिकन लिया है हमने, और इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिए ताकि जल्दी गल जाए। और फिर अभी हम इसको पहले फर्स्ट एक ही बार मैरिनेशन होता है ये, तो पहले हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, जो हर किचन में रहता है। नमक के बिना तो अधूरा है कोई भी खाना, तो हम इसमें नमक दिए हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, एक चम्मच, एक बड़ा चम्मच। अब जो बन रहा है हमारा लेमन पेपर चिकन, तो पहले पेपर डालेंगे इसमें। एक पैकेट ये जेके का है, तो पहले इसे मैरिनेशन में हल्का सा डाल देता हूँ मैं, और तो थोड़ा मैं बचा लेता हूँ, और बाद में इसमें जाएगा लेमन मतलब नींबू। तो इसका पहले सीड निकाल के अच्छे से मैं इसको लेमन क्रश कर देता हूँ, पूरा लेमन इसमें क्रश हो जाएगा। इसको ज़्यादा देते मैरिनेशन नहीं किया जाता, आप इसको एक घंटा भी रख सकते हो, 15 मिनट भी रख सकते हो, या फिर 6-7 घंटा भी रख सकते हो, जो आपका मन, जैसा आपका मन वैसे आप कीजिए। तो मैं इसमें पूरा दो लेमन, एक पूरा लेमन जो दो पीस है पूरा इसमें डाल दे रहा हूँ। इसी तरह कीजिए, पूरा मेरा फेसबुक पेज पे फोटो खींच के मुझे भेजिए कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे को बताइए, तो मेरे को देख के भी अच्छा लगेगा, सपोर्ट मिलेगा। और एक कप दही पूरा फटाया हुआ, आप दिख रहा है फटाया हुआ दही है ये, पूरा एक कप दही इसमें चला जाएगा इस तरह। अब हम इसमें पूरा इसको इसके में दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, पूरा इसका पेपर, फिर लेमन, नमक, ये पूरा इसको मैरिनेट करेंगे इसको अच्छे से। इस तरह मैरिनेट करके इसको 10 मिनट तक हम इसको ढक कर रख देंगे। उसके बाद इसको हम, कल तो बकरी ईद है, शायद ये वीडियो आज ही अपलोड हो जाए। बकरी ईद के लिए मैं कुछ और सोचा हूँ मैं, जो कल मैं अपलोड करूँगा। तो ये है लेमन पेपर चिकन, बहुत टेस्टी था। इसको आप स्नैक्स, जैसे स्नैक्स जिसमें आपको अच्छा लगता है आप उससे खा सकते हो, कोई बात नहीं, बहुत टेस्ट। इसको हम 15 मिनट तक रख देंगे ढक के, उसके बाद हम बनाएंगे इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा ओवन में बनेगा। तो हम लेंगे अमूल बटर, ये हम इसमें 2 से 3 चम्मच अमूल बटर ऐसे ले लेंगे अंदर हमार से। गैस स्लो रखेंगे इस टाइम पे, पहले गरम जो है गैस स्लो कर देंगे हम गैस। इसमें देंगे हम जीरा पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, अभी हम देंगे एक चम्मच, अभी थोड़ा हम भुनेंगे इसको अच्छे से। इसके साथ ही हम देंगे, ये पैकेट मिलता है ऐसा गरम मसाला का, इसमें लौंग, दालचीनी, इलायची, तो मैं इसमें 2 दालचीनी, 4 इलायची, 2 लौंग, 2 से 3 लौंग दे रहा हूँ मैं। अब इसको हम थोड़ा भुनेंगे इसके साथ ही इस तरह। थोड़ा भुनने के बाद अब ये चिकन जो मैरिनेट है इसको हम पूरा इसके अंदर मिक्स करते हैं, गैस इसको हम स्लो रखना है, गैस को जोड़ नहीं रखना है, इसमें पूरा मैरिनेशन के अंदर आ जाना चाहिए।
बस इसको थोड़ा सा हल्का हाथ से हिला दीजिएगा। तो पूरा बटर का खुशबू, दही बटर लेमन पेपर जो खुशबू आएगा इसमें बहुत अच्छा आने वाला है। अब बस हमको इसको जैसे आपको थोड़ा स्टेयरिंग मतलब का सॉटे हो जाएगा थोड़ा आप कर लिया इसमें, अब थोड़ा इसको हम आँच जोड़ रखेंगे और एक उबाल आने तक कर रुकेंगे हम। जैसे उबाल आता है तो हम इसमें अभी एक जगह बंद करके ऐसा एक जगह बंद करके इसको 15 मिनट स्लो आँच में पकाएंगे। हमारा जब तक वो चिकन होता है तो हम तब तक ये एरो रूट जो है पानी में भिगा कर रखते हैं इस तरह। सैलेड को पूरा पानी में और उसको स्टर करके रखेगा। ये 1 से 1.5 चम्मच एरो रूट है, इसको अच्छे से पानी में अभी भिगा कर, हम नॉर्मल पानी में भिगाएगा, गर्म पानी यूज़ मत कीजिएगा, गर्म पानी डालने से प्रॉब्लम हो जाएगा आपका। तो इस तरह से अभी भिगा इकट्ठा रख दिया हमने, और ऐसे तीन ऐसे मिर्ची ऐसे स्लाइस काट के रखिएगा। तो अब हम अभी थोड़ा चेक करेंगे, 10 मिनट हुआ है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। ओके, अब देख रहे हैं अब थोड़ा पानी निकल चुका है इसका चिकन का। तो इस वक्त हम वो तीन जो मिर्ची है काटा हुआ वो अभी इसमें डाल देंगे इस तरह, और स्टेयर कर लेंगे अच्छे से। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है पूरा ये चिकन का पानी से ये पकेगा। इसमें और कुछ पानी नहीं देना है हम लोग को, ये चिकन का जो पानी है इसी से सब कुछ पक जाएगा। अब देख रहे हैं चिकन पकना चालू हो चुका है, ये देखिए ठीक है। तो चिकन के पानी से ये पूरा पकेगा। तो अब हम वो मिर्ची डाल के थोड़ा इसको और 10 मिनट स्लो आंच पे डाल देंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा लेमन पेपर चिकन तैयार है, देखिए कितना सॉफ्ट टेंडर बना हुआ है, खाली हाथ लगने से टूट जा रहा है सॉफ्ट। और इसको हम टेस्ट करके बताएंगे। यमी। तो आप भी घर पे ट्राई कीजिए लेमन पेपर चिकन, और मेरे स्क्रीनशॉट सब मैं पेज के लिंक में दीजिएगा, मेरे को कैसा हुआ बताइए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और फिर मिलता हूँ कोई नया डिश लेके नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय।